से होने जा रहा है, क्या लगता है कैसा मुकाबला होगा इस बार? काफी सीनियर भी हैं और पुराने विधायक हैं, क्या कहेंगे? सर, पुराने विधायक जरूर हैं, लेकिन पहले पब्लिक के पास विकल्प नहीं था तो इसलिए लोग कांग्रेस को वोट दे देते थे, लेकिन आज की डेट में विकल्प है पब्लिक के पास आम आदमी पार्टी के रूप में, और मुझे नहीं लगता है कि किसी से मुकाबला है या कांग्रेस से कोई मुकाबला है या किसी लीडर से मुकाबला है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी बहुत भारी बहुमत से बल्ली मारान विधानसभा जीत रही है, और मुझे यकीन है, और बल्ली मारान की जनता का को भी यकीन है ये बात का, इस बात का कि बल्ली मारान विधानसभा आम आदमी पार्टी जीत रही है। जो अरविंद केजरीवाल जी के कई साथियों ने बीजेपी ज्वाइन करी है, किरण बेदी चली गई, साजिया इल्मी विन्नी भी चले गए, क्या लगता है कुछ असर होगा इसका? क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को या नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को? देखिए, पार्टी सिर्फ वही लोग छोड़ के गए हैं जो अवसरवादी लोग हैं, जो मौका परस्त लोग हैं, उन्हें पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ अपने मकसद के लिए पार्टी में थे। अगर वो चले गए, वो बीजेपी में भी अपने मकसद के लिए गए, उन तो उनसे मुझे नहीं लगता, और बीजेपी के पास कोई चेहरा है नहीं दिल्ली के अंदर आगे करने के लिए, तो बीजेपी को तो ज़रूरत है कि दूसरी पार्टियों के लोग बीजेपी में जाएं और उनके लिए काम करें, लेकिन मुझे नहीं लगता उनके जाने से पार्टी को कोई नुकसान होगा। पार्टी से पूरी दिल्ली की जनता जुड़ रही है, अच्छे लोग जुड़ रहे हैं पार्टी के साथ, जो दिल्ली से भ्रष्ट राजनीति का सफाया करना चाहते हैं, दिल्ली को ईमानदार सरकार देना चाहते हैं। सारी जनता आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रही है, सब लोग दुखी आ चुके हैं पिछले 7 महीने में जो बीजेपी ने झूठे वादे करे थे, उससे दुखी आ चुके हैं, और लोग चाहते हैं दिल्ली को एक ईमानदार सरकार देना। बिजली के दामों से लोग बहुत दुखी हैं, बिजली के रेट आधे कराना चाहते हैं, पानी मुफ्त कराना चाहते हैं, महिला सुरक्षा की बात करें तो आप आज ओबामा जी भारत आ रहे हैं 26 जनवरी को, तो 15,000 कैमरे दिल्ली में लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई हमारी महिलाओं के बारे में आज तक 7 महीने में मोदी जी ने नहीं सोचा कि दिल्ली यहाँ दिल्ली में जो ये क्राइम होता है, रेप के केस इतने होते हैं, हर नुक्कड़ पे कैमरा लगाया जाए, अगर वो ये सोचते तो ये काम तो बहुत पहले हो जाता, और 15,000 कैमरे तो बहुत होते हैं, अगर दिल्ली में 2-3 हज़ार कैमरे भी लगाते तो कोई हमारी महिलाओं के साथ ऐसी दुर्घटना नहीं घटी जाती। और अभी हमारे विधायक ने जो 8 करोड़ रुपये वापस करें, सारा फंड इलाके के अंदर लगाएंगे और इलाके को चमकाएंगे, जहाँ जहाँ पानी नहीं है वहाँ वहाँ पानी पहुँचाएंगे, सीवर बदलवाएंगे, और अगर पानी नहीं पहुँच पाया किसी वजह से तो हर गली में बोरिंग कराएंगे। हम जनहित के लिए काम करेंगे ना कि। अच्छा इमरान भाई, जिस तरह से किरण बेदी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ